नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह, बी मैकेनिकल एमई ऑटोमोबाइल पीएचडी, इंडियन पेटेंट एजेंट 3339। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 50 यानी 10 एमसीक्यूज के लिए। वैसे सीरीज में ये एमसीक्यूज है 101 से 110 तक के, तो इसके लिए हो जाइए प्रिपेयर्ड। अगर आपने अभी तक नहीं देखे एमसीक्यूज जो रिलेटेड है इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में प्लेलिस्ट में जाके एमसीक्यू को देख लीजिए। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर, नॉट अ ग्राउंड, देखिए ग्राउंड नहीं है, फॉर प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन ऑफ अ पेटेंट इन इंडिया। रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग तो एक ग्राउंड है, यानी ये आंसर सही नहीं है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रॉन्ग मेंशन और रॉन्ग मेंशनिंग ऑफ द सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, ये भी ग्राउंड है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट sufficiently and clearly describe the invention, ये भी ground है। तो क्या ground नहीं है, invention was secretly used in India, invention को secretly use किया गया है, ये ground नहीं है, so option D is the correct answer। 42 question, series का 102, a provisional patent specification must contain, provisional patent specification क्या contain करता है, description of the invention, claim or claims, provisional patent application की बात कर रहे हैं, claim or claims defining the scope of the invention, drawings और must contain क्या होना चाहिए, compulsory है, background prior art नहीं, description of the invention, तो claims and claims of the defining the scope of the invention, so title होना चाहिए ना। तो 42 का answer क्या है, the answer of the 42 is description of the invention, ये होना चाहिए, description of the invention होना चाहिए, abstract के साथ, टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट इतना तो होना ही चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जो है इन केस ऑफ रिक्वेस्ट फॉर परमिशन फॉर मेकिंग पेटेंट एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया, पेटेंट एप्लीकेशन को आउटसाइड इंडिया फाइल करना है, द कंट्रोलर सेल डिस्पोज ऑफ द रिक्वेस्ट विद इन अ पीरियड, कितने दिनों में कंट्रोलर को वो रिक्वेस्ट को डिस्पोज करना होता है, 21 डेज एज पर द सेक्शन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 44 पे आगे बढ़ते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 से। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन ने फाइल, पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन कब फाइल होती है, पोस्ट ग्रांट है, ग्रांट के बाद की ऑपोजिशन है, बाय एनी पर्सन, नो पर्सन इंटरेस्टेड ही फाइल कर सकता है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 12 मंथ From the date of publication under section 43, अरे section number 43 तो grant of a patent के बारे में बात कर रहा है, तो post grant opposition वहाँ पर नहीं है, but ये बात सही है, before the expiry of the period of 12 month, इतना half statement सही है, before the expiry of a period of 12 month from the date of publication under section 11 है, तो ये तो date of publication की बात कर रहे हैं, grant की तो बात ही नहीं है, तो ये भी गलत, तो सही तो answer ये है, पढ़ भी लेते हैं इसको, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ, ये बात सही है, फ्रॉम द डेट ऑफ डेट ऑन विच द कंट्रोलर राइट्स इन द फाइल ग्रांटेड, ग्रांट होने के 12 महीने के अंदर अंदर पर्सन इंटरेस्टेड ओपोजिशन फाइल कर सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 7 एंड एज पर द सेक्शन नंबर 25(2), उसके बाद में ओपोजिशन बोर्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, रिवोकेशन ऑफ अ पेटेंट on the ground of being mischievous to the state or prejudicial to the public can done only by the high court on application by a person interested, ye kya keh raha hai, revocation of patent jo hai on the ground of being mischievous to the state or prejudicial to the public can be done by the high court on application by any person interested, koi bhi person interested is ground pe baat kar sakta hai ya nahi, ye sirf aur sirf central government ke liye hai, to ye statement hai galat 45 ka। dusra statement, if an applicant for a patent who has filed a provisional specification files a request for early publication before filing the complete specification, the application will be published within 1 month from the date of filing such a request, to yahan par dekhiye ki usne complete specification स्पेसिफिकेशन फाइल नहीं किया है और उसने प्रोविजनली फाइल किया है और ऑलरेडी पब्लिकेशन की एक रिक्वेस्ट दे दी है फॉर्म नंबर 9 फिल करके, तो वहां पर पब्लिश नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट है गलत, तो दोनों स्टेटमेंट है गलत। अगर ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं कि ए 1 सही, बी 2 सही, सी दोनों गलत
और डी दोनों सही, तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर, दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, इट इज मैंडेटरी टू डिस्क्राइब द क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट इन अ पैटर्न स्पेसिफिकेशन। क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट को क्यों बताना है भाई, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू गेट एन असाइनमेंट रजिस्टर्ड एट द पैटर्न ऑफिस द एप्लीकेशन हैज टू बी फाइल्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ असाइनमेंट। ऐसा कोई असाइनमेंट के लिए तो रूल नहीं है, तो यहां पर भी दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है। सो 46 के भी दोनों स्टेटमेंट गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन पे, जो है स्टेटमेंट नंबर 1, अ मॉडल और अ सैंपल ऑफ एनीथिंग इलस्ट्रेटिंग द इन्वेंशन और अलिग्ड टू कंस्टिट्यूट एन इन्वेंशन सबमिटेड बाय एन एप्लीकेंट टू सप्लीमेंट द एप्लीकेशन इन कंप्लायंस टू डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोलर शैल बी डीम्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। कोई मॉडल और सैंपल कैसे बन सकता है पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन, गलत बात है। अ पेटेंट में बी रिवोक ऑन अ पिटीशन ऑफ एनी पर्सन, ये सही बात है, रिवोकेशन तो पिटीशन होना है, इतना स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। इंस्ट्रेटेड सॉरी अ पेटेंट में बी रिवोक ऑन अ पिटीशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड और ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द अपेलेट बोर्ड और एन और appellate board अभी क्या हो गया IPD, ये 2013 का पेपर था ना, इसलिए appellate board है, अभी क्या है intellectual property rights division at high court on a counter claim in a suit for infringement of the patent by the district court on the ground specified under the act। ये बात सही है, कोई भी person interested या फिर central government उस चीज को revoke कर सकती है, चाहे उस पे infringement का case क्यों ना चल रहा हो तो भी revoke हो सकता है। so 47 का second statement सही, first statement गलत। 48 क्वेश्चन पे चलते हैं, अ पैटेंट एप्लीकेशन मींस, पैटेंट एप्लीकेशन किसको कहते हैं, प्रोविजनल एप्लीकेशन को ना, या कह भी सकते हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को वो भी कह सकते हैं, एन एप्लीकेशन पब्लिश्ड बिफोर ग्रांट, ये भी है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, सो डी इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 48, यहां पर डी समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, जो है द टर्म ऑफ अ पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल्ड ऑन 7/1/2006 एंड ग्रांटेड ऑन 15/2009 इन परस्यूएंस ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फॉर मेन इन्वेंशन, यहां पर मेन इन्वेंशन देखना जरूरी है, विच वॉज फाइल्ड ऑन 23/8/2005, देखिए 23/2005 को मेन इन्वेंशन फाइल हुआ था, इन ग्रांटेड ऑन 30/10/2008 if neither patent is revoked or prior to term of validity is, तो term of patent कितना रहेगा, term of the patent of addition कितना रहेगा, patent of addition का term main application से 20 वर्ष तक का रहता है, तो main application कब फाइल हुई थी 23/8/2005, तो 23/8/2025 is the correct answer, यहां तक patent main application का भी और patent of addition का भी दोनों का term यहां तक रहेगा। 49 the answer is C। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड 110th क्वेश्चन ऑफ द प्लेलिस्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू रिवोक अ पेटेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है रिवोक करने के लिए पेटेंट को इन पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर मूविंग द एप्रोप्रिएट कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पेटेंटी, ये सही है, एक बार पेटेंटी को सुन लेना चाहिए कि भाई किस तरीके से वो बात कर रहा है, पब्लिक को ये इंटरेस्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, After issuing the necessary compulsory license या after allowing the post grant opposition, तो इसमें सही आंसर है वो है after hearing the patentee। I hope कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपका प्यार अच्छी तरीके से मिल रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है, बूस्ट हो रहा हूँ मैं, मोटिवेट हो रहा हूँ आगे वीडियो बनाने के लिए, तो ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके पास भी एक प्रॉपर नॉलेज वाला ग्रुप बने और आगे बढ़िए, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।